देखिए, दो तीन दिन पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी MIM की, उसमें MIM के बहुत सारे पदाधिकारी और उनके वेल विशर लोग साथ में थे। उन्होंने एक पेपर दिखाया, बोले बताया कि कौसा कब्रस्तान जो रोड पर है अलमास कॉलोनी के बिल्कुल अपोजिट में चांद नगर के कॉर्नर पर जो कब्रस्तान है उसमें ये बताया गया कि उसमें 60 लाख रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। अच्छा, भ्रष्टाचार हुआ है तो ठीक है, भ्रष्टाचार हुआ है, अब उन्होंने कहाँ से पेपर लाया, कैसे उसमें छेड़छाड़ की पेपर में, और इस तरीके का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसमें से सिराट डोंगरे साहब, जो हमारे वरिष्ठ नगर सेवक है सिराट डोंगरे साहब, हसीना अब्दुल अजीज शेख साहबा जो हमारी भाभी हैं वो प्रभाग में उस वक्त नगर सेवक थी, और हाफिजा नसरुद्दीन नाइक साहबा और मैं खुद, हम चारों पर ये इल्ज़ाम लगाया कि 60 लाख रुपया कब्रस्तान के नाम पर आया और इन लोगों ने बांट करके खा लिया, और साथ में हमारे एक कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब का भी नाम उसमें शामिल कर दिया। तो हमको बड़ी बेचैनी हुई कि भाई ये 60 लाख रुपया आया और खा गए, कैसे मालूम पड़ा? आप लोगों ने खाया नहीं है भाई, हमको अगर, हम तो वही बात पे उसी विषय पे आ रहे हैं कि हम पर ये इल्ज़ाम लग गया, 5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया, 1 साल और ऊपर हो गया, आज तक किसी ने हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाई, और खासकर हमारे प्रभाग में तो किसी ने नहीं उंगली उठाई हम लोगों पर, चारों नगर सेवक पर, लेकिन आज ये यहाँ पर इल्ज़ाम लग रहा है। तो हमें बेचैनी थी, हमने हमारे जो सीनियर नगर सेवक है सिराट डोंगरे साहब से हमने उनसे रब्ता कायम किया, और उस वक्त हसीना अब्दुल अजीज शेख साहबा भी वहाँ पर नगर सेविका थी, मैं हूँ था, और हफीजा नाइक साहबा थी। तो हम चारों ने ये मिल करके ये फैसला किया कि हम इसकी इंफॉर्मेशन निकालें। हम उसके लिए पुमरा प्रभाग समिति में गए, पुमरा प्रभाग समिति का जो रजिस्टर होता है, जो हमारी प्रभाग सुधार नगर सेवक निधि आती है, जो उस पर मेंशन होती है कि कौन से, जैसे अभी प्रभाग सुधार निधि का काम हमने कहाँ कहाँ कितने कितने रुपए का काम किया, वो सारा उस पर मेंशन रहता है। उन्होंने जो पेपर निकाला, उन्होंने निकाला कि कौसा कब्रस्तान, लेकिन उसके नीचे का जो सेंटेंस था उसको व्हाइट डन लगा करके उसको मिटा दिया और पत्रकारों को वही दिया, लेकिन उसमें पूरा ये लिखा है कि कौसा कब्रस्तान के निकट नजदीक वो काम जो 9 लाख रुपए का लास्ट का वो बता रहे हैं ना, वो नजदीक नहीं लागत लिखा हुआ, नजदीक नहीं लागत है, लागत मतलब नजदीक, लागत निकट, निकट मतलब नजदीक, वही बात है। तो वो जो 9 लाख रुपए का काम है ना, बाजू में पाकिजा टावर है जो बिल्कुल कब्रस्तान से लगा हुआ, वहाँ का 9 लाख रुपए का काम है, और 5-5 लाख रुपए की 4 फाइल प्रभाग सुधार निधि आप प्रभाग में कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। शहर के लोगों को सबसे पहले मैं ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि कौसा कब्रस्तान के नाम पर कोई बजट नहीं। चौकी में हम आए एप्लीकेशन देने, अर्ज देने के लिए कि ये जो इन लोगों ने फॉर्जरी की है, RTI से डॉक्यूमेंट निकाले और उसमें हम लोगों को, हम चारों को बदनाम करने की साजिश रखने के लिए इन्होंने उस डॉक्यूमेंट पे फॉर्जरी की, तो हम लोग यहाँ आए हैं, उसके खिलाफ एप्लीकेशन दिए पुलिस स्टेशन से, पुलिस सीनियर से हमने ये रिक्वेस्ट की है कि इसका इन्वेस्टिगेशन हो और जल्द से जल्द हो, और ये लोग अगर फॉर्जरी में साबित होते तो इनके ऊपर गुनाह दाखिल हो कि जल्दी से इनको अरेस्ट किया जाए। इसके बाद अभी जो हम लोग आए थे यहाँ पर, हमारे ऊपर जो भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लगाए इन्होंने बिना तहकीक के, सरकारी डॉक्यूमेंट्स लेके आए RTI के जरिए और उसके अंदर कुछ खाड़ा खोड़ी किए, अरे जो चीज़ पब्लिक में आनी चाहिए थी वो नहीं आने दिए, आधा मजमून बताकर उसको जो है भ्रष्टाचार का रूप दे दिया, और हम चारों पर ये इल्ज़ाम लगाए कि इन्होंने जो है 30-30 लाख रुपया अपने अपने प्रभाग में जो खर्च करना था, यानी कब्रस्तान के लिए जो खर्च करना था, जबकि वो पैसा जो है कब्रस्तान के लिए नहीं था, वो अलग अलग कामों में हम लोग उसकी। सिराज भाई, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, हम तमाम पत्रकार यहां पर मौजूद है, क्या मुद्दा है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का, क्या बातें आप उजागर करना चाहते हैं? असल मुद्दा जो है वो ये है कि आज तक हम पे कोई भी किसी तरह का भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं लगा था ये 15 साल में। नहीं, हम पर यानी किस पर? ये प्रभाग पर, प्रभाग पर अजीज भाई मेरे साथ में 2 बार रहे, हफीजा नाइक तीसरी बार है, जफर भाई भी साथ में है, तो ये हमारे ऊपर कभी इस तरह का भ्रष्टाचार का कम से कम कोई आरोप नहीं लगाया है। पहली बार जो है कुछ लोगों ने, जैसा MIM के जो अध्यक्ष है और वो पूरा उनका एक ग्रुप है, जावेद भाई हमारे सिद्दीकी साहब, उन्होंने जो है
माहिती अधिकार के अंदर ये सारी चीजें पेपर कॉर्पोरेशन से लेके आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों तक, लाखों लोगों तक ये बात पहुंचाए कि वार्ड 30 में, ये प्रभाग नंबर 30 में ये नगर सेवकों ने बहुत बड़ा घपला किए है। इन्होंने दो बार 29-29 लाख रुपया लेकर जगह पर कोई काम नहीं किए और वो पूरा पैसा इन्होंने मिल बांट के खा गए, जिसके अंदर जो है बहुत ही अच्छे लोग जो है हमारे बद्दी ट्रस्ट के, कब्रस्तान ट्रस्ट के, उन लोगों को भी उन्होंने इसमें भ्रष्टाचार में हमारे साथ पे खींच लिया है, ऐसा उनका आरोप कि ये सारे लोग भ्रष्टाचारी है और हमने जो वो पैसा खा गए। हाल ही में कौसा कब्रस्तान में 60 लाख रुपए खर्च किए गए, मगर वो खर्च नहीं हुए, वो आप लोग खा गए, ये जो एमएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इल्जाम लगाया था, आप उसी पर बोल रहे हैं जी। पब्लिक को ये बता रहे कि सबूत के साथ आए हैं, पब्लिक को ये बता रहे कि हम सबूत के साथ में आए, ये देख रही, ये माहिती का अधिकार जो क्या बोलेंगे इसको, आरटीआई के अंदर ये सारी चीजें लेके आए, ठीक है, लोगों को बताया उन्होंने बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी, उनको तो कुछ पता नहीं है, मेरे ख्याल से नजरें भी उनकी बहुत कमजोर है, या कम से कम पढ़ ही लेते तो इतनी बड़ी हिम्मत नहीं करते। जैसा कि और मामला में कई सालों से सुन रहे, सिर्फ चीख पुकार कर रहे हैं, कोई एविडेंस लेके आज तक भगवान के सामने आई नहीं, इसमें भ्रष्टाचार, उसमें भ्रष्टाचार। अरे भाई, वो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का आपको हक है, आपको राइट दिया है, उसके अंदर जाके सही सही मालूम लेकर उसका अध्ययन करें, उसको पढ़े समझे, उसके बाद में लोगों तक आए। मगर ये नदी दो वाला काम करते हैं कि कोई चीज मिल गई, जैसा कहते हैं कि कौवा कान ले गया और उसके पीछे भागते रहते हैं। और अब इससे अंदाजा लगेगा, खास करके लोगों से कहूंगा कि किन लोगों को आप लोग नेता और क्या 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 मानते हैं, और बहुत सारी बातें कहने की, मगर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये लोग किस तरह से आप लोगों को वर्गला रहे, सालों हो गए हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार। अरे आप कब्रिस्तान का जो इशू है जी, मुद्दे पे आपके पास क्या खुलासा है? अपने दिल की बात जो वो भी मैं कहना चाहूंगा, जब उन्होंने इल्जाम लगाए तो मैं ये भी कहना चाहूंगा साथ साथ कि सारे भ्रष्टाचार के मामले जो है, इन्होंने जो आरोप लगाए है ये एक मुद्दे पर, ये सारे जो है अवाम के सामने अगर ये मुद्दा आता है तो अवाम ही फैसला करेगी कि ये किस तरह से हमको वर्गला रहे हैं, किस तरह से लोगों के खिलाफ जिन्होंने, जिनका भ्रष्टाचार और जिनका कोई संबंध नहीं कभी आया 18 सालों में 15 सालों में, उन लोगों के ऊपर ये किस तरह से इल्जाम लगाते हैं। आप सिर्फ फर्ज कर लीजिए कि जब ये बात ऐसी है तो इनके सारे इल्जाम का क्या हाल है, इस सिलसिले में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इन्होंने जो पेपर लाया, जिनसे ले आए उसी ऑफिस से हम लोग भी लाए। अच्छा, तो आप ये देखिए कि इसके ऊपर अगर ये इसमें दिखेगा तो बताइए, नहीं कॉपी करके हम बता देंगे उसको, पूरा पॉइंट आउट कर दीजिए पूरे मामले को जो है, इन्होंने वाइटनर लगा के दरगाह का जिक्र तो किए, वो रहने दिए कब्रिस्तान, क्योंकि भाई ये कब्रिस्तान का मामला और कब्रिस्तान, वो आगे नहीं पढ़ रहे कि कब्रिस्तान लगत, यानी कब्रिस्तान को लगकर और उसके बाद में जो नीचे का जो पैराग्राफ है उन्होंने पूरा काट वाइटर लगा के, और आप लोगों को भी वही दिया, आप खुद तहकीक, आप खुद देख लीजिए, उसका मुआवजा कीजिए कि ये लोग किस हद तक जा सकते। तो सर, ये वाइटनर जो लगा के जो मिटाया गया, क्या लिखा था वहां पे? उसमें जो लिखा था मैं बताता हूं, अभी जो ओरिजिनल जो मेरे पास है वो ही, प्रभात क्रमांक 30 अमधील कौसा सुन्नी कब्रस्तान लगत तन्वर नगर परिसरात सीसी पायवट करने। अब आप बताइए मुझे कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है, पूरा अगर पैराग्राफ पढ़ेंगे तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है। इन्होंने सिर्फ कब्रस्तान के मामले को रख के, कब्रस्तान के नाम को रख के पूरा आधा सेंटेंस इन्होंने काट दिए। अजीज भाई, इस पूरे मामले पे आपका क्या कहना है? आप पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे इस पूरे मामले पे आप? अस्सलाम वालेकुम। देखो भाई, थोड़ा जज्बाती हूँ और ये ऐसा इल्जाम है कि जो हम चारों पे लगना नहीं चाहिए था, क्योंकि इशू है कब्रिस्तान का। तो पहले तो आप लोग से माफी चाहूंगा अगर कुछ उल्टा बोल दूंगा आप लोग को, तो थोड़ा बर्दाश्त कर लेना, अपना बड़ा भाई छोटा। हमने नहीं लगाया ना इल्जाम, हमने नहीं लगाया, आपकी मैं सिर्फ
इतना बोलना चाहूंगा कि ज्यादातर लोग उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, आपको उन्होंने ये कॉपी दिखाया जो उनकी तरफ से था और इसी पे हमारे ऊपर इल्जाम लगाया गया। तो उस टाइम पे अगर ये व्हाइटनर देख के किसी ने भी सवाल कर लिया होता कि भाई ये व्हाइटनर क्यों लगाए, और व्हाइटनर में जो है ना उनका झूठ छुप नहीं रहा है, पूरा व्हाइटनर के बगैर जितना लिखा हुआ देखो, प्रभाग क्रमांक 30 मधिल कौसा सुन्नी कब्रस्तान लगत, यानी इतनी मराठी तो हर किसी को समझता होगा कि लगत का मतलब है कि लग कर करीब करीब बाजू में आगे पीछे, इसका मतलब ये होता है मराठी में, समझे ना। तो बाकी का उन्होंने व्हाइटनर लगा दिया। और ये जो है ना ये प्रभात सुधारणा निधि का प्रभात समिति का अहवाल है, जो हमको पैसे मिलते हैं प्रभात सुधारणा के, ये उसका रजिस्टर है। ये देखो इसमें लिखा हुआ है 2018 30 का हसीना अब्दुल अजीज बाटा प्रभात सुधारणा निधि 30 लाख, समझे। और ये फंड नंबर है 5, पहले फंड हमने दिया 5 लाख रुपए का कोई एक काम के लिए, फिर दिया 5 लाख रुपए का कोई एक काम के लिए, फिर 5 लाख रुपए का, फिर 5 लाख रुपए का, ऐसा हमारा टोटल जो है ना यहाँ बढ़ता गया। 5 लाख पहले आया, फिर 5, तो यहाँ 10 लिखा है। ये देखिए मैं जो बोल रहा हूँ, जरा गौर से सुनिए ताकि आप जिनको दिखाएंगे वो लोग को भी समझ सके। ये 5 लाख जो लगा है वो कब्रस्तान के आसपास नहीं लगा? नहीं नहीं, ये हमारे प्रभाग सुधारणा निधि, हम पूरे प्रभाग में कहीं भी लगा सकते। 30 लाख रुपए हमको उस साल आए थे 2018 में, 17-18 में, समझे ना। तो पहले 5 को दूसरे 5 के साथ में मिला के टोटल लिखा गया 10 लाख, फिर तीसरी फाइल थी 5 लाख की तो टोटल लिखा गया 15 लाख, फिर चौथी फाइल थी 5 लाख की टोटल लिखा गया 20 लाख, और ये पांचवी फाइल है 9,99,700 की, टोटल हुआ है 29,99,700। हम ये 9 लाख की जो अमाउंट है ये दिया गया था आसपास के काम के लिए, नाम है आसपास के काम के लिए नाम है। ये आप लोग को और लोगों को वर्गलाने के लिए इन्होंने व्हाइटनर लगाया है यहाँ पे। ये ओरिजिनल कॉपी है, समझे ना, जिसमें लिखा हुआ है प्रभाग क्रमांक 30 मधिल कौसा सुन्नी कब्रस्तान लगत, यहाँ तक के आपको दिखाया गया, लोगों को दिखाया गया। उसके आगे लिखा तन्वर नगर परिसर सीसी पायवट करने, ये काम हमने पैराग्राफ काट दिया, हाँ ये पैराग्राफ इन्होंने काट दिया। ये काम था 9,99,700 रुपए का, ये काम हमने किया था वो पाकिजा टावर से लेके रोड तक का पूरा जो रोड है उसको हमने पीसीसी किया था, यानी कॉन्क्रीट का रोड उनके गेट तक के किया था, मेन रोड से वहां तक के, समझे ना। अब ये 29,99,700 हो गया पूरा टोटल, हमको फंड आया था 30 लाख का, ये उसका टोटल अकाउंट है, ये अकाउंट रजिस्टर है प्रभाग समिति का, समझे ना। तो हमने जो उस साल खर्चा किया, जो हमको फंड आया था, वो फंड का डिटेल है। और आप लोगों को इन्होंने खाली ये ऊपर की लाइन दिखाया, वही लाइन को मैच करते हुए यहाँ लिखा है 29,99,700, आप लोग को बोल दिया। और फिर माजरत के साथ बोलूंगा कि आप लोगों ने ये देखा नहीं कि ऊपर से क्या आ रहा है ना। अगर ये सवाल करते हुए ठीक है ये फाइल नंबर 5 है 29 लाख यहाँ पे थे, 20 लाख काय का है, 15 लाख काय का, 10 लाख काय का, 5 लाख काय का है, ये अगर आप पूछ लिए होते ना तो वहीं पे उसके पसीने छूट जाते। क्योंकि जो एक एक तो वो है इतनी फिक्र से माहिती निकाला है, उसको उस टाइम पे फिक्र नहीं हुई जब उसने किसी मासूम बच्ची के ऊपर गोली चलाया। दूसरा है मोबाइल चोरों का सरदार, समझे ना, ऐसे लोग अभी हमारे ऊपर इल्जाम लगाएंगे भ्रष्टाचार। कौन है मासूम बच्ची पर गोली चलाने वाला? तो जो भी है आप लोग ज्यादा समझदार है, आप लोग ये बात को समझ लो जो मैं बोल रहा हूँ। ये अभी और ये एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात बोली अजीत भाई आपने, मोबाइल चोरों का सरदार। तो जो भी है, कौन है? इतने लोगों में जितने लोग खड़े थे हमारे खिलाफ उनमें ये दो कैरेक्टर मौजूद थे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये आप लोगों के जरिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इन्होंने जो है ना सरकारी पेपर है, थाने महानगर पालिका भी सरकारी संस्था है, समझे ना, उस पेपर में इन्होंने खोड़ा खाड़ी किया है और हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश किया है। अब हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं और इसके ऊपर एफआईआर करने की पूरी तरह से मांग नहीं करेंगे, करने तक के वहां से उठेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास एविडेंस है फिजिकल। गवाह तो आप है, आपको वहीं से, और आप लोग से बड़ा शाहिद कौन है? आप लोग के पास भी डॉक्यूमेंट है, उनकी दी हुई कॉपी है, हमारी दी हुई कॉपी है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन जो कब्रिस्तान की कौसा कब्रिस्तान की जो बात वो कर रहे हैं, जो जरूरतें है वहां की, वो तो जमीन है ना, मिट्टी क्या जरूरत है? अभी अभी जैसे कल ये खबर में हमने देखा कि वो कह रहे मिट्टी की जरूरत है, मिट्टी बराबर से बॉडीज को गला नहीं रही है। और ये भी कहा उन्होंने कि वहां पे यहीं के कोई नगर सेवक वगैरह उस पर ध्यान नहीं दे रहा है।
इसमें क्या कहेंगे सर? एक्चुअली 2019 के अंदर कब्रिस्तान बंद हो गया था, ये कह के 6 महीने के अंदर कब्रिस्तान का मिट्टी का जो भी काम है बॉडी प्रॉपर डिस्पोज नहीं होती, इसके लिए 6 महीने के लिए बंद हो गया। अब 2023 हो गया, कब्रिस्तान प्रॉपर तरीके से खुदा नहीं। जब मैंने ही कब्रिस्तान की ट्रस्टियों से भी बाइक मतलब उनसे भी बात की थी, तो उन्होंने कहा है 20 लाख रुपए की लागत लगने वाली है, जो मिट्टी का काम है अभी तक के वो हुआ नहीं है। और हम लोगों ने कई बार अपील की है, यहाँ तक के एक्स मिनिस्टर जितेंद्र अवार्ड से भी अपील की है, लेकिन अभी तक के हम लोगों का वो काम हुआ नहीं है। आज कब्रिस्तान को बंद हो गया 2019 से 3 साल हो गए, अभी 14 साल। सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया, शहर के हक का सवाल किया, और मैं शहर के हक पे जवाब दूंगा। इसमें अगर किसी पार्टी वाले को बुरा लगे तो माफी चाहता हूँ, है ना? नहीं, पार्टी वाले भी हम लोग में से मौजूद है ना, तो माफी चाहता हूँ उसके लिए। पहली बात तो ये कि 19 में बंद होने की वजह एकदम जेन्युइन थी, क्योंकि तब जो है जब भी बॉडी डिस्पोज नहीं हो रही थी, बॉडी डिस्पोज नहीं हो पा रही थी, दो फावड़ा मारते ही बदबू आ रही थी, उसको उस मजबूरी में बंद कर दिया गया। ऐसे तैसे हालात में एक नया कब्रिस्तान शुरू हुआ, यहाँ का लोड जो है ना कम हो गया, समझे? अब जो है ना ये लोग जो है ना सिलेक्टेड काम कर रहे हैं, कब्रिस्तान के जो लोग है वो ये चाह रहे कि भाई इसकी मट्टी वापिस से वैसी बिसान ना मारे, इसलिए जो है ना सिलेक्टेड जैसे इसी इलाके के रफीक भाई, यही गांव का जो हमारा एरिया पड़ता है अलमास से इधर तक के, कंपाउंड से इधर तक के, इधर की जो भी मैयतें आती है उनको पहला प्रेफरेंस देते। अगर इसके अलावा किसी का आता है तो किसी ने हमने रिक्वेस्ट कर दिया, कभी रफीक भाई ने रिक्वेस्ट कर दिया, कर दिया, ये तरीके से अभी लोग कब्रिस्तान हैंडल कर रहे हैं। एक कब्रिस्तान 3 एकड़ में हमको मिल चुका है, उसकी जो भी शिकायतें थी तकरीबन खत्म होने को आई है। पहले दलदल था, ये था, वो था, सबसे पहले इसको एक्सपोज करने वाला मैं, जिसकी वजह से मेरी सीट खतरे में आई, मेरी पार्टी में पोजीशन खतरे में आई, लेकिन मैंने उसका कोई वो नहीं करते हुए मैंने उस चीज को एक्सपोज किया, ये सोच के दूसरे ही दिन पूरा मुमरा कसामा उमड़ आएगा। मैंने एक स्कैंडल ओपन किया था कि भाई दलदल में हम लोग को कब्रिस्तान मिल रहा है, लाइव जाके मैंने वहां पे से गटर का पानी निकाल के दिखाया था। तो मेरी ये सोच थी कि मैं दूसरे दिन मुमरा कोसा के हजारों लाखों लोग वहां के खड़े जाएंगे, हमको नहीं मिलता है, तो प्रशासन मजबूर होकर उसको कैंसिल करता। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोगों में भी ये चीज की कमी है, सुस्तापन है। दूसरे दिन सुबह 8:30 बजे जाके मैं कुर्सी डाल के बैठा था, 11 बजे तक के तपती धूप जब सर पे नहीं आई ना, एक बंदा नहीं आया। रफीक भाई वहां से राउंड मारते हुए गए थे, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ कि एक ही आदमी थे, लेकिन इनके भी समझ में नहीं आया था कि मैं वहां क्यों बैठा हूँ। जो भी हुआ था एक दिन पहले हो चुका था, ये वहां से निकल गए, इन्होंने मेरे को हाथ दिखाया, मैंने इनको हाथ दिखाया, कोई नहीं आया। यानी शहर की फिक्र बाद में जो यानी MIM के पार्टी के लोग कर रहे और भी फिक्रमंद कमेटी के लोग कर रहे और बड़े बड़े पर्सनालिटी कर रहे, उस वक्त अगर ये सब के सब जमा होकर वहां खड़े हो जाते ना तो आज ये हाल नहीं होता। लेकिन हम ईमान वाले, जो अल्लाह को मंजूर वही होना है, इस पर हमारा ईमान है कि नहीं है? तो अल्लाह की मंजूरी थी कि कब्रिस्तान वही आएगा। हालात आए, कुछ नरम गरम हुआ, कीचड़ दलदल ये वो सब होने के बाद में आज 3-3.5 फीट ऊपर तक के भरनी की जा रही है उसकी। यानी अब हमारी जो मरहूम मैयतें है वो अब हम बोल सकते हैं कि भाई 70-80% जो है ना सकून में। तो ये सुधार आ गया है, कौसा कब्रिस्तान की जरूरत अपनी जगह है। मैं आप लोग सबके जरिए अपील करता हूँ पूरे मुमरा कौसा के लोगों की, जो कौसा के या कब्रिस्तान के फिक्रमंद है, मैं अभी 5,000 रुपए मेरी तरफ से वो मट्टी भरने के लिए दे रहा हूँ। ये मेरी अपील है पूरे मुमरा कौसा के लोगों से कि आए कौसा कब्रिस्तान के पास में। कल मैं कमेटी के लोगों को अपील करूंगा, एक टेबल डाल के बैठे, जो पैसा उधर आएगा चंदे का, कोई सदका जकात फितरेगा नहीं, हमारा कमाया हुआ साफ सुथरा पैसा फिकर से कि भाई कल को हमको इसी मिट्टी में जाना है, समझे ना? ये फिकर से वहां पर आए और 20 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं, अगर 1,000-1,000 रुपए दे देंगे तो 20,000 लोगों से काम हो जाएगा। जफर भाई, जिन 4 पूर्व नगर सेवकों को जो कौसा कब्रिस्तान में भ्रष्टाचार के आरोप लगे उनमें से आप भी एक है, तो क्या कहना चाहोगे पूरे मामले को लेकर? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बात तो मैं ये कहूंगा कि जो लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे, पहले बात ना उनको होश की गोली खा के करना चाहिए, बेहोश रहते हैं, क्योंकि उनको होश ही नहीं रहता क्या क्या रहे उसमें। पहली बात, जो सब्जेक्ट लिखा वो सब्जेक्ट को पढ़े कि वहां पर जाके सर्वे करे कि कब्रिस्तान लगे मतलब कब्रिस्तान के नजदीक करीब में कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है, वहां जाके सर्वे करे। दूसरी बात ये है कि सबसे अहम बात यह कि प्रभात सुधार निधि और नगर सेवक निधि नगर सेवक के नाम से आती है,
उसमें देखना चाहिए था कि अगर वो निधि जो निधि का कौसा कब्रस्तान के ट्रस्टी ये बोल रहे हैं कि हमारी कब्रस्तान में इस तरीके का कोई काम नहीं हुआ, वो निधि सिराज डोंगरे साहब के लेटर मांगनी पर आई है या उनके प्रभात सुधार नगर सेवक उनके नाम पर आया है कि हसीना अब्दुल शेख अब्दुल अजीज शेख के नाम पर आया है कि जफर नोमानी के नाम पर आया है कि वो हफीजा नसरुद्दीन नाइक साहब के नाम पर आया है। बैठे मुंह में आया बग दिए, चारों नगर सेवक ने मिल करके बात करके खा लिया, फिर एमएलए ने बांट के खा लिया। अरे पहले पता तो करो बजट किसका है, किसके नाम का है। अजीज भाई सबसे पहले ये पता करना कि सबसे पहले आपने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया है, पूरा शहर हमसे सवाल करता है, सुबह की नजर से देखता है, क्योंकि आप जब सुबह उठते हो तो तुमको कोई काम धंधा नहीं है ना, आप कभी कोरोना काल में कोई काम करते हुए दिखे ना कोई सोशल काम, तो पेपर लिए निकल गए खड़े होकर के पढ़ करते रहते हो, कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी राजनीति में। मैं चैलेंज से कहता हूं कि काम के हिसाब में आप मंच लगाओ, मैं मंच लगाता हूं, आप हमारे कामों का हिसाब दे दीजिए, मैं जिंदगी भर सियासत छोड़ दूंगा। मुंह से बोलने से सियासत नहीं होती, वर्किंग करो, कब्रस्तान के टाइम पर हो चाहे कोरोना काल के टाइम हो, हमने हमारी जान पे खेल करके काम किया है। आप हमारे ऊपर एलिगेशन कराते हैं चाहे कोई जाए ना जाए, लेकिन हम लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे उनके खिलाफ FIR करने की, क्योंकि आपने हमको शहर में बदनाम करने का काम किया है, आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। माननीय डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब की कैदत में, और एक चीज और बता दूं, शहर में बहुत तेजी से रूमर फैल रहा है, पेपर में हमने कुछ देखा कि राष्ट्रवादी के नगर सेवक फराना सुन लो, राष्ट्रवादी के तमाम नगर सेवक मुमरा को सके, जहां तक मैं जानता हूं माननीय डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब की क्यादत में काम करेंगे और सारे लोग राष्ट्रवादी से ही इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे, ये भी खुलासा करता हूं। FIR दर्ज कराने कब जा रहे हैं आप? जाएंगे, हमारे सीनियर सिराज डोगरे साहब यहाँ मौजूद है, सीनियर सिराज डोगरे साहब मौजूद है, हम क्यादत में जाएंगे। नोमनी सर किसके खिलाफ करेंगे? जो लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे पत्रकारों लास्ट कब्रस्तान के अंदर निधि कौन से साल में आएगी? जैसे लोग बोल रहे हैं कि 2017 के बाद कब्रस्तान में काम नहीं हुआ, ये कब्रस्तान के ट्रस्टी भी बोल रहे हैं, ठीक है, कौन से साल में आएगी और क्या कोई ऐसी स्पेशलाइज निधि रहती है जो आप लोग कब्रस्तान के लिए लगा सकते हैं? क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कि 20 लाख रुपए की अभी भी जरूरत है कब्रस्तान को ऑन एन अर्जेंट बेसिस, जैसे आपने बोला कि अभी हम लोग डोनेशन करेंगे जो भी करेंगे, बहुत अच्छी बात है, बट लेकिन क्या ऐसी कोई स्पेशल प्रोविजन मिलता है कब्रस्तान? स्पेशल प्रोविजन तो मिलता है, स्पेशली फंड भी आता है, लेकिन फिलहाल कोई भी नगर सेवक नहीं है, महासभा नहीं है, ठहराव पास करने का कोई जरिया नहीं है, डायरेक्ट अल्टीमेट पावर कमिश्नर के हाथ में। बहुत से बहुत अभी जो माजी नगर सेवक है, जो भी आप माजी है समझे ना, ये क्या कर सकते हैं कि एक लेटर देके लेके कमिश्नर के पास जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि साहब फंड की जरूरत है, हम लोग तो है नहीं, हमारी निधि लग नहीं सकती, आप अपने स्पेशल फंड से ये काम अर्जेंट बेसिस पे करा, ये हो सकता है। रही बात मैंने ये बोलने की वजह ये थी कि और 4-6 महीना आगे तक के इलेक्शन आते दिख नहीं रहा है, बारिश को आने अभी 4 महीना बचे, अगर हम उसको फंड निकाल के कब्रस्तान का कोसा कब्रस्तान का मिट्टी का अगर मामला खत्म कर देते हैं तो बारिश में फ्रेश मिट्टी रहेगी, बहुत इसका इफेक्ट होगा, पॉजिटिव इफेक्ट होगा। और जैसा अभी जो लोग लिमिटेड लोगों की जो ले रहे हैं उसकी जगह जो हद उनकी रहेगी इस कब्रस्तान की, सबके लिए वो ओपन रहेगा।